नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है डिफेंस ट्रैक पर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब फैंटास्टिक होंगे, एकदम बढ़िया करके पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी, मुझे जरूर से बताइएगा। चलिए, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया और मैं चाहा कि मैंने सोचा इस बारे में कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक वीडियो के माध्यम से, एक छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भैया क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप एग्जाम में जाने से पहले मोटिवेट रहें। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज जिस दौर में हम चल रहे हैं, जिस कंडीशंस में हम चल रहे हैं, सर के ऊपर बहुत टेंशन रहती है, बहुत दिक्कतें होती हैं, बिलीव मी। लेकिन जब बात आती है कंपटीशन की, पेपर की, तो हम एक इंच भी, ध्यान से सुनना, हम एक इंच का डिफरेंस भी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर एग्जाम निकालना है तो एक इंच का डिफरेंस भी भैया आपको लेके डूब जाएगा, ये बात ध्यान रखना। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर तैयारी करनी है तो दिन रात एक करना पड़ता है। बिलीव मी, अगर तैयारी करनी है तो दिन रात एक करना पड़ता है। भाई, जब मैं तैयारी करता था, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं 36 घंटे में सिर्फ दो दो तीन तीन घंटे सोता था। अब तुम लगा लो, सर इतने टाइम क्या पढ़ते रहते थे? नहीं भाई, नहीं, 36 में से अगर 2-3 घंटे सो रहे, उसके अलावा पढ़ना नहीं है, उसके अलावा और भी काम है, एक्सरसाइज करनी है, बहुत काम है। इतना प्रेशर कि आपको खुद ही, आपका दिमाग जो है उस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। खैर, तो पॉइंट ये है कि भैया पेपर में जाने से पहले आप खुद को मोटिवेट कैसे रखें और किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। अभी तक आज ये डेट जो हो गई, 9 तारीख हो गई है, 9 अप्रैल को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपने जो है मैक्सिमम कवर कर लिया होगा अपने सिलेबस का, और आपको क्लैरिटी होगी कि मॉक्स में आपके इतने नंबर बन रहे हैं, आप यहाँ पर लैक कर रहे हो, यहाँ पर लैक नहीं कर रहे हो। सबसे पहली जानकारी आप सभी के लिए, बेटा अब कुछ नया नहीं पढ़ना। सबसे पहले तो कुछ नया नहीं पढ़ना, किताबें कुतुबें सब फेंक दो, कॉपी कूपी सब फेंक दो साइड में। अरे सर कैसी मजाक कर रहे हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, बच्चों वाली कॉपी फेंक देंगे तो फिर सर पेपर कैसे देंगे। फेंकने का मतलब यह है कि साइड में रख दो, समझे? फेंकने का मतलब यह है कि क्या कर दो, साइड में रख दो, कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ करना है रिवाइज। क्या करना है? रिवाइज करना है। ध्यान से सुनना, आज 9 तारीख है, ठीक है, इसको रिवाइज करें जब तक है जान, वो पिक्चर अलग है, इसको आप रिवाइज करें। जो भी टॉपिक है, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, जीएस का हो, साइंस का हो, फॉर्मूला हो, केमिस्ट्री का कंपाउंड हो, कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो भैया, रिवाइज करना। रिवाइज नहीं करोगे तो सवारी अपने सवाल की खुद जिम्मेदार है। बाद में मुझे मत बोलना कि सर जी आपने बताया नहीं, बाद में मुझे मत बोलना कि सर जी आपने बताया नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इस चीज का ध्यान रखना, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, पहला। दूसरा बात, अगर आप रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर रहे हो तो कुछ मत करो भैया, थोड़ा सा ना घूम लिया फिर लिया करो, है ना। एक अपने को भवन में, एक कमरे में कैद होकर मत रहा करो, थोड़ा बाहर घूम लो, पड़ोसियों से बातें कर लो, आंटी जी से बातें कर लो, मम्मी पापा से बातें कर लो, भाई बहन से बातें कर लो, थोड़ा घूम फिर लो, वॉक कर लो, रनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो। इससे होता है क्या है, इससे ना थोड़ा सा हमें, हमारे अंदर जो चीज होती है ना, वो बाहर निकल जाती है। मतलब जब आप किससे बात अपनी शेयर करते हो तो आपका दिल हल्का होता है। जैसे कहते हैं ना कि यार मुझे बहुत दुख है, यार मेरी बात सुन ले प्लीज, तो समझो, है ना। मैं इतनी भी नहीं कह रहा हूँ कि 3-4 घंटे बातें कर लो, बट हाँ कॉन्टेक्ट में रहो। मम्मी पापा से बात करना चाहते हो, कर सकते हो, भाई बहन से बात करना चाहते हो, कर सकते हो, दोस्त से बात करना चाहते हो, कर सकते हो, गर्लफ्रेंड है बात करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा यार, कोई मना नहीं करेगा, सब आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, पहली बात, ठीक है। ये इतना क्लियर है सभी को? जी हाँ, ठीक है। बात करना जरूरी है। अच्छा, बात करने के लिए कोई नहीं है, बात करने की हैबिट नहीं है, तो सबसे बेस्ट है भाग जाओ। ए, सर कहाँ भाग जाओ? हिमालय? अरे भैया हिमालय नहीं भागना है, भाग जाओ मतलब रनिंग करो, रनिंग करते ना, रनिंग करो, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भाग लो थोड़ा थोड़ा, है ना, गानों सुन के ईयरफोन सुन लो और भागना शुरू कर दो, जो भी तुम्हें जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो वैसा कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपके गुड हॉर्मोन्स या फिर गुड केमिकल जो है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे और वो आपको अच्छा फील करवाएंगे। तो बेटा ये प्रैक्टिस जरूर कर लो। अच्छा, घर के बाहर भी नहीं जाना है भैया, कोरोना फैल रहा है, पापा मम्मी जाने देंगे। योगा कर लो, डीप ब्रीथिंग कर लो, थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, भैया साधन तो बहुत है। अब तुम फोन खोल के पबजी खेलने लग जाओगे तो कोई इसका तो कोई साधन नहीं है ना भाई। अब तुम फोन खोल के इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाने लग जाओगे तो इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। आपको इन चीजों से थोड़ी देर दूर रहना है, ठीक है, इन चीजों से थोड़ी देर दूर रहना है, थोड़े टाइम की बात है। 18 तारीख को पेपर है, 18 के बाद जो करना है कर लेना, चलो मैं भी तुम्हें, तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा, खुश। तो ये 3 चीजें जो महत्वपूर्ण मुझे लगती है पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना। ये 3 चीजें अगर कर सकते हो तो कर लो। हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है, ये बड़ा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि इन तीनों को फॉलो कर लो, मान जाओ मेरी बात। 18 तारीख तक की बात है, उसके बाद आपको जो मन चाहे वो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात नहीं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रही होगी। अगर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हाँ सर इस वीडियो ने हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करी।
इसके अलावा और भी अगर एग्जाम से रिलेटेड किसी को कोई डाउट आ जाता है तो गाइस लेट मी नो, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए इसी साथ मुझे आज्ञा दें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, इस तरीके से पढ़ाई करते रहो। जाते जाते एक लास्ट पॉइंट भैया, वापस से कोरोना जो है वो आ रहा है, तो भैया सेफ्टी इज मैंडेटरी, सेफ्टी इज मैंडेटरी, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई है कि भैया जो जो चीजें आपको लेके जानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो वीडियो भी आप जरूर से वॉच कर लीजिएगा। चलिए सही, तो आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।